ईडीना समन्सने लईने સુપ્રીમ કોર્ટ આકરું વલણ અપનાવતા કહ્યું જો કોઈને પીએમએલએની કલમ 50 હેઠળ સમન્સ મોકલવામાં આવે તો તેને સમન્સનું સન્માન કરવું પડશે અને જવાબ આપવો પડશે। ખાનગી હોસ્પિટલ દ્વારા થતી ઉઘાડી લૂંટ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આકરું વલણ। સુપ્રીમ કોર્ટે લાલ આંખ કરતા કેન્દ્ર સરકારે તાત્કાલિક પગલાં લેવા કર્યો હુકમ। दिल्लीना एलजी वीके सक्सेनाए केजरीवाल सरकारनी सोलर पॉलिसी पर प्रतिबंध मूकीने झटको आप्यो। एलजीए केजरीवाल आक्षेपोने खोटा ठेरवता चार पानानो पत्र लख्यो छे। आपना धारासभ्य प्रकाश जरवालाने मुश्किलीमां वधारो। आत्महत्या करवा माटे प्रोत्साहित करवा मामले तेओ दोषित जाहेर करवामां आव्या। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरीए मोदी सरकार पर ताक्यो निशान। अग्निवीरोने शहादत बाद शहीदोनो दरजो नथी मळतो। देश में जे लोग पोताना प्राण न्योछावर करे छे तेमने शहीदोनो दरजो आपवामां नथी आवतो। लोकसभा की चूंटणी पहला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किली वधी। गैरकायदे खनन केस में सीबीआई अखिलेश यादव ने समन्स मोकल्यो। कर्नाटका में राज्यसभा चूंटणी में कांग्रेस उम्मीदवार नसीर हुसैन की जीत बाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लाग्या। भाजपा आरोप है कि हुसैन समर्थकों पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा दलों अपहरण करेला एएसपी अमित मैगमबाम ने बचा लीधा। मैते संस्था केडर आरमबाई टेंगोल द्वारा अपहरण कर। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास भोयरा अंगे हिंदू पक्ष तरफ एक नवी अरजी में व्यास भोयरा की छत पर थती नमाज रोकवानी करी मांग।